का जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। हालांकि आज का अगर हम आंकड़ा निकालें फेसबुक का ट्विटर का इंटीग्रेटेड करने के बावजूद भी, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि सारे अकाउंट को आप जो है लिंक कर देते हैं। हमको नहीं लगता कि 15,000 से भी ज्यादा लोग जब नीतीश कुमार जी बोल रहे होंगे तो होंगे। अलग अलग पेज पे ट्विटर में तो 500 के करीब वो हम लोगों ने निकलवाया हुआ, लेकिन हम ज्यादा पूरा सम्मान करते हैं भाई, बिहार की बेइज्जती ना हो। 15 साल जिस व्यक्ति, क्योंकि देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है देश के, देखिए क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं। अरे आप अपने काम को बताइए ना, आप जो हो सवाल से भटकने के लिए इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पे, या कई हमारे साथी जितने पोर्टल चैनल वाले हैं उन्होंने लाइव जो किया था इंटीग्रेटेड, उन सब का अगर हम ब्यौरा निकालें तो भी 15,000 से ऊपर नहीं जाता, बल्कि डिसलाइक ज्यादा है। तो ये तो साफ हो गया कि इनकी जो एक्चुअल रैली जो महाफ्लॉप थी, जो कि इतिहास में सबसे फ्लॉप रैली के नाम में लोग जानेंगे, आज इनका एक्चुअल वर्चुअल रैली भी जो है सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। नीतीश कुमार जी जनता के बीच रहिएगा तो ऐसा नहीं होता, आप जनता से दूर हैं, आप तानाशाह हो चुके हैं। और जो लग रहा था कि नीतीश कुमार जी का चेहरा जो है एकदम हार मान चुका है, बताइए हमारी आधी, मेरा उम्र भी नहीं है जितना उनका आधा, पूरा जितना राजनीतिक अनुभव होगा उतना मेरा उम्र भी नहीं होगा, फिर भी हमारे सवाल का जवाब ना दे करके इधर उधर से लोगों से गालियां दिलवाने का काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमको गाली देने से नहीं होगा, बिहार की जनता का भला करने से ही काम चलेगा। इसलिए बिहार की जनता मांग रही है नीतीश कुमार जी से जवाब। अब बेरोजगारी अगर हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना होगा। शिक्षा की बात की, लेकिन नीति आयोग के हर एक मानकों में, सूचकांक में बिहार जो है फिसल रही है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिसका जिक्र हमने बिहार विधानसभा में भी किया, जिसका कोई जवाब नीतीश कुमार जी के पास नहीं था, हमारे पास है। वो शिक्षा की बात करते तो उनको बताना चाहिए ना, प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं में ड्रॉप आउट रेट क्यों अधिक है बिहार का, क्यों छोड़ करके चले जाते हैं बच्चे, बताइए। नीतीश कुमार जी को इसको बोलना चाहिए था। आप देखिएगा बिहार के पैकेज का, स्पेशल पैकेज का क्या हुआ, बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की बात नीतीश कुमार जी भूल गए क्या, इस पे कोई जवाब क्यों नहीं देते नीतीश कुमार जी। आप देखिएगा नियोजित शिक्षकों को नियमित क्यों नहीं किया गया, यानी अभी भी उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा। लालू जी ने तो 7-7 विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थापना की थी, ये बता कि इनके कार्यकाल में कितने विश्वविद्यालय लगे। शिक्षकों के नियोजन में व्यापक भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा क्यों हुआ नीतीश कुमार जी बताए। नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज गायब हैं, क्यों गायब हैं, किसने गायब किया है, समान काम समान वेतन की उनकी वाजिब मांग को क्यों नहीं माना गया। आप देखिएगा शिक्षकों का 2 लाख से अधिक पद जो है रिक्त है, इन पदों पर अस्थाई और संविदा पर ही बहाली करने को इच्छुक है, जो रिक्त पद है उस पर क्यों नहीं स्थाई परमानेंट जो है उन लोगों को जो है नौकरी दिया जाए। पुलिस कर्मियों का लगभग जो है 50,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त है। हमने कल भी पूछा था कि लगभग 4.5 लाख अलग अलग विभागों में, अलग अलग विभागों में जो है नौकरियां रिक्त है 4.5 लाख, उनको क्यों नहीं भरा गया है अब तक। इसी तरीके से आप देखिएगा तो यहाँ प्रति 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 77 पुलिस कर्मी है, सिर्फ 77।
प्रति 1 लाख पर। तो इसका जवाब कौन देगा नीतीश जी? आप ये भी बताइए कि जूनियर इंजीनियरों के भी 66% पद क्यों खाली है बिहार में? जूनियर इंजीनियर जितने हैं लगभग 66% पदे जो है वो खाली है। एक अपने 15 साल में एक भी मल्टी स्पेशलिटी जो है हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने नहीं किया है। आप देखिएगा इलाज के लिए आज भी जो लोग हैं बिहार के लोग हैं बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए जो है पलायन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, पलायन क्यों नहीं रोका? स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली है, ऐसा क्यों? स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली है, ऐसा क्यों? डॉक्टर हो या नर्स सभी पदों की हजारों पद खाली पड़ी हुई है, इसमें नौकरियां क्यों नहीं दी जाती? ये नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। नीति आयोग का जितना भी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला जा रहा है? 58 घोटाले हुए जिसमें कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बिहार का पैसा डूबा, इस पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कुछ बोलते? आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? उन पैसों को बरामदगी करने के लिए इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन किया? ये तो बिहार की जनता का पैसा था 20,000 करोड़। सृजन घोटाले में अपने ही पार्टी के नेताओं पर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? भ्रष्ट नौकर साहों पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? उल्टे आपने उनको जो है पुरस्कृत करने का काम किया। रिटायरमेंट होने के बाद भी जो है सेवा विस्तार आपने किया, आखिर ऐसा क्यों? 7 निश्चय योजना ये हमारी गठबंधन जो महागठबंधन था वही चल रहा है, लेकिन इसमें अगर देखिएगा जब इम्प्लीमेंट होने लगा तो 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है? किसी भी पंचायत में इसका क्रियान्वयन सही ढंग से क्यों नहीं हो पाया है? मुजफ्फरपुर सेंटर होम जैसे विभिन्न कांड में संलिप्त अपने नेताओं को क्यों बचा रहे नीतीश कुमार? दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ा? एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दलितों पर सबसे ज्यादा अगर अपराध होता है तो वो बिहार है। तो आप तो देखिएगा बिहार का जो है 40.7 है, जबकि राष्ट्र औसत जो क्राइम का 21.8 है। मनरेगा के तहत आपने कितने लोगों को रोजगार दिए? प्रधानमंत्री द्वारा तथा कथित 165 लाख करोड़ रुपए का पैकेज योजनावार और विभागवार खर्च कितना और कहां हुआ, इसका आंकड़ा सार्वजनिक करें नीतीश कुमार जी। विगत 5 सालों में सरकार से कितने पैसे मिले और कितनी योजनाएं मिली, इसकी जानकारी जो है नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को बताएं। इन सभी सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार। कहां और कब तक भागेंगे आप?